बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें जी, आज 12:15 बजे तकरीबन इंडिया ने गोलाबारी शुरू की नीलम की सिविल अवाम पर। ये जूरा से लेकर शारदा तक ये गोलाबारी हुई है, और जिस वक्त ये गोलाबारी हुई हम जुम्मा पढ़ाने शारदा जा रहे थे, शेख बेला में हम थे, तो हमने शेख बेला की जामा मस्जिद के वजू खाने में पना ली। इस वक्त हम ये तेजियाँ गाँव में खड़े हैं और यहाँ कई मकान जल चुके हैं। ये एक दूसरे जाविए से आप देखें, और ये मकान जो करीब हैं आप, मैं तकरीबन मकानात से 100 फुट के फासले पे हूँ, लेकिन यहाँ आग की तपिश यहाँ तक आ रही है। और ये देखें, ये लोगों की हालत उजार देखें, और किस तरह सिविल आबादी पर ये जुल्म हो रहा है। ये देखें, ये सिविल आबादी पर जुल्म है सारा। ये सारा जुल्म सिविल आबादी पे हो रहा है। इनकी सारी उम्र की जमा पूंजी इनकी ख़त्म हो गई है जी, और बिला वजह ये जुल्म बर्बरियत है। तमाम हलकों को चाहिए कि मजलूम नीलम के बासियों के जुल्म के पर होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएं और इंडिया को इस जुल्म सितम से रोकें। आए दिन ये गोलाबारी अहलियान नीलम का, जिसने जीना हराम किया हुआ है। कई मकानों में आग लग चुकी है, तकरीबन ये 8 से 9 मकान है जिनको आग लग चुकी है, और अब ये मकान जो करीब है ये भी खतरे में है शदीद। अल्लाह बेहतर करेगा बेटा। ये देखें, लोगों की सारी उम्र की जमा पूंजी ये इन मकानात के जलने की शक्ल में ज़ाया हो चुकी है। जान को ख़तरा, माल को ख़तरा, हर वक्त का खौफ। इस वक्त बच्चे स्कूलों में महसूर हैं। मैं आपको दिखाता हूँ अगली वीडियो में कि बच्चे, 200-200 बच्चे स्कूलों में महसूर हुए हुए हैं, और आधा घंटा तकरीबन इंडिया ये गोलाबारी चलती रही है। इंडिया की हैवी फायर चल रहा है मजलूम मुसलमानों पर। और ये देखें, आबादी है, सिविल आबादी है, ये आप देख सकते हैं, ये सड़क का किनारा है और ये सब सिविल आबादी है। यहाँ पर कोई ऐसा किस्म का फौजी निज़ाम नहीं है, सब सिविल आबादी पर ये गोलाबारी हुई है। देखें जी, ये कई मकानात को आग लग चुकी है, एक मकान से दूसरे मकान को कई गोले यहाँ गिरे हैं, और यहाँ पर अभी तक ये नहीं मालूम कि कितने लोग ज़ख्मी हैं। और क्योंकि अफरा तफरी है, लोग अपना जो मकान बच चुके हैं उससे साजो सामान निकाल रहे हैं। ये सिविल आबादी पर इंडिया की गोलाबारी आज जुम्मे के दिन 13 नवंबर 2020 को हुई है। इस वक्त आप देख सकते हैं क़यामत सुग़रा का मंजर बरपा है। यहाँ पर मैं तकरीबन आग से 100-200 फुट दूर हूँ, लेकिन उसकी तपिश इतनी शदीद है सर्दी के मौसम में भी कि करीब भी नहीं जा पा रहे। ये एक मकान इसके करीब बच चुका है, और ये मोहल्ले वालों की कोशिश है किसी तरह इस आग को बुझा लिया जाए, लेकिन ये इंसानी बस से बाहर लगती है।